नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाबर च्यवनप्राश के क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं, डाबर च्यवनप्राश को कैसे लेना चाहिए और डाबर च्यवनप्राश की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि डाबर च्यवनप्राश को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डाबर च्यवनप्राश के अंदर 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो आपको कोई बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम मजबूत होने पर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। डाबर च्यवनप्राश सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला और एलर्जी में काफ़ी लाभकारी होता है, और सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला और एलर्जी होने से बचाव भी करता है। डाबर च्यवनप्राश शरीर में थकान रहने की समस्या को भी दूर करता है और शरीर में एनर्जी, शरीर की ताकत व स्टेमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा डाबर च्यवनप्राश के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट चेहरे पर निखार लाते हैं और बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट कैंसर होने से भी बचाव करते हैं। डाबर च्यवनप्राश शरीर में खून को साफ रखने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा डाबर च्यवनप्राश कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल से संबंधित बीमारियां होने से भी बचाव करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाबर च्यवनप्राश को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डाबर च्यवनप्राश को हल्के गर्म दूध या हल्के गर्म पानी के साथ लेना रिकमेंडेड होता है, लेकिन डाबर च्यवनप्राश को पानी की बजाय हल्के गर्म दूध के साथ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। 3 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए डाबर च्यवनप्राश की आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच रात को लेना रिकमेंडेड होता है, और 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए डाबर च्यवनप्राश की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को लेना रिकमेंडेड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाबर च्यवनप्राश की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और डाबर च्यवनप्राश को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को केवल शुगर फ्री डाबर च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। शुगर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से शुगर फ्री डाबर च्यवनप्राश अवेलेबल है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को डाबर च्यवनप्राश को देना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 3 साल से कम उम्र के बच्चों को डाबर च्यवनप्राश को नहीं देना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें तो डाबर च्यवनप्राश की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाबर च्यवनप्राश को रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना और दस्त होने की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको डाबर च्यवनप्राश को रिकमेंडेड डोज में ही लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि डाबर च्यवनप्राश प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को डाबर च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप डाबर च्यवनप्राश को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।